आज दिल्ली पर पूरे देश की नजर बनी हुई है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जहां पर 70 विधानसभा सीटों पर आज यहां के मतदाता अपने वोट का अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 11 फरवरी को इस मतदान के नतीजे आएंगे। तो दिल्ली चुनाव से जुड़ी खबरों पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। अपने इस बुलेटिन में हम आपको दिल्ली के मतदान से जुड़ी हुई तमाम खबरें दिखाएंगे। तो दिल्ली के मतदान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में दोपहर 12 बजे तक जो वोटिंग की फीसदी है वो 15.59 फीसदी दर्ज की गई है। तो दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग जारी है, लेकिन जो फिलहाल 12 बजे तक प्रतिशत का आंकड़ा है कि कितना फीसदी मतदान हुआ है वो बेहद कम, यानी कि रफ्तार जो है वो बेहद धीरे यहां पर दिखाई दे रही है। तो 672 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज कैद हो जाएगा ईवीएम मशीन में। 11 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे और देखना होगा कि जिस तरह से पार्टियां पूरी जोर आजमाइश के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई थी, उसके बाद नतीजे 11 फरवरी को क्या सामने आते हैं। लेकिन आज की बात करें तो सुबह 7 बजे से ही लगातार मतदान की जो प्रक्रिया है वो चालू है। कई जगहों पर नजारा कुछ ऐसा जहां पर कतारें दिख रही हैं, जहां पर बुजुर्ग लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर 12 बजे तक मतदान के आंकड़े पर यहां पर नजर डालें तो 15.59 फीसदी ही अब तक मतदान हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो रफ्तार है वो काफी धीमी। हालांकि देखना होगा कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा शायद ये रफ्तार आगे और तेज बढ़ पाए। लेकिन हर किसी से R9 TV यहां पर अपील करता हुआ दिल्ली वासियों से कि आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। लोकतंत्र के इस पर्व में आप भी अपनी भागीदारी को अवश्य निभाएं। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ बीजेपी है और तीसरी तरफ कांग्रेस, जो कहीं ना कहीं अपनी सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनावों में कर रही है।